वेलकम बैक ऑन माय चैनल लिटिल प्रियू लाइफ और मैं हूँ प्रियंका। इट्स अ फेस्टिवल टाइम है तो शॉपिंग तो बनती है ना। लाइक करवा चौथ आने वाला है जो कि 17 को है, देन दीपावली आने वाली है, देन व्हाट एल्स नया साल आने वाला है, तो ऑब्वियसली ये शॉपिंग वाले मंथ है तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल ड्रेसेस हम ज्यादा परचेज करते हैं। तो क्यों ना सोचा कि चले मैं आपको दिखाती हूँ Jonso.com के कुछ कपड़े, क्योंकि मैं आपको लास्ट टाइम भी दिखा चुकी हूँ। और यस, जो लास्ट टाइम मैंने लहंगे दिखाए थे ना आपको, उसमें से ही एक मैं अभी करवा चौथ पे पहनने वाली हूँ। तो आप देखना इसकी कपड़े की क्वालिटी, लहंगा, एवरीथिंग इज सो कह सकते हैं लग्जरी, एक लग्जरी लुक आता है इन कपड़ों में। और जो Jonso के जो ट्रेडिशनल कपड़े है ना, www.jonso.com एक वेबसाइट है, शॉपिंग ऐप है, प्लीज डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स में। इस पर मैं वेस्टर्न नहीं कह सकती कि वेस्टर्न कैसे मिलेंगे, बट ट्रेडिशनल कपड़े बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं। हाँ, इस बार मैंने क्या मंगाया, यस दिस इज यू कैन से अ कोलैबोरेशन वीडियो, बट स्टिल उन्होंने मुझे राइट दिया था कि मैं शॉपिंग करूं अपनी चॉइस की, सो मैंने अपने चॉइस की मंगाए अकॉर्डिंग टू द फेस्टिवल। एंड बिलीव मी, यू कैन ट्रस्ट ऑन मी, कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, बिकॉज कपड़े जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो होते हैं सूरत में, एंड सूरत आप जानते ही हो फेमस है फैब्रिक के लिए, बहुत ही ट्रेडिशनल एंड मजबूत कपड़े मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि जरा सा कहीं की लेस निकल रही है, बैड क्वालिटी की लेस लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। इस बार मैंने सूट्स मंगाए हैं सेमी स्टिच्ड, और लास्ट टाइम मैंने लहंगे मंगाए थे, साड़ी मंगाए थे, बट मैंने सूट मंगाया बिकॉज आई लव वियरिंग सूट। एंड यू आप ही लोग बोलते हो ना मेरे ऊपर सूट बहुत अच्छे लगते हैं, सूट ही। सो चलिए मैं दिखाती हूँ फर्स्ट कम, चलिए येलो से ही शुरू करती हूँ। एक बार मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, फिर एक बार मैं खुद अपने ऊपर आपको ट्रायल करके दिखाती हूँ। वेल सभी सेमी स्टिच्ड हैं, तो मैं आपको पहन के तो नहीं दिखा पाऊंगी ऑब्वियस है, बट मैं आपको लगा के दिखा सकती हूँ। ओके तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल येलो एंड सी ग्रीन, बहुत ही प्यारा अनारकली सूट है ये। और मैं आपको चार सेमी स्टिच सूट दिखाने वाली हूँ, चारों के लिंक कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, यू कैन गो एंड परचेज इट, आई एम श्योर यू विल लव इट। ये है अनारकली सूट है ये, और पूरा ये फेस्टिवल वाला लुक देता है, इसे आप आराम से फेस्टिवल में, किसी भी फेस्टिवल में पहन सकते हैं। आप देख सकते हैं, पहले तो मैं आपको इसकी नीचे की एम्ब्रॉयडरी दिखाती हूँ, कितना अच्छा काम है आप देख सकते हैं। है ना, तो एक होता है ना, बहुत सारे कपड़े लाइक हम लोग ट्रेडिशनल ऑनलाइन भी परचेज करते हैं, बट क्या होता है ना, देखने में वो फोटो बहुत अच्छी लगती है, पर जब हाथ में आते हैं ना तो बड़ा रद्दी सा माल होता है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है, कपड़ा बहुत ही शाइनिंग एंड बहुत अच्छा काम है इसमें। आप देखो ये नीचे का पार्ट दिखा रही हूं मैं आपको, ये अनारकली सूट है, सेमी स्टिच्ड है ये, और इसमें अच्छा खासा घेर बना हुआ है, मैं आपको ऐसे खोल के दिखाती हूँ। ये ऊपर का है, ये जो है ना ये ऊपर का प्रिंट है, और ये इसकी स्लीव्स हैं, एंड स्लीव्स पे भी वर्क है, एक मिनट, जो बॉर्डर में था वही स्लीव्स में है, स्लीव्स इसकी नेट की है, और इसमें आपको कुछ नहीं कराना, एवरीथिंग इज डिफाइन है, इसमें सब कुछ डिफाइन करके दिया गया है, सिर्फ आपको स्टिच कराना है। और अगर आप लेते हो तो, या मैं जो भी हम दोनों, और इसमें ऑलरेडी अस्तर दिया गया है, और कॉटन का है ये, कॉटन तो आप पता ही है कॉटन कितना अच्छा कपड़ा होता है, वैसे गर्मी है तो आप पहन सकते हो इसे, लेकिन अंदर का इसका अस्तर जो है वो सिल्क का है। वेल तो अभी मैं इसको लगा के दिखाऊंगी तो आपको पूरा पता चलेगा। सो ये था सूट, एंड इसके साथ है सलवार भी दी गई है, सलवार का कपड़ा देखा आपने कितना शाइनिंग है, ये देखो, और कपड़ा बहुत अच्छा है नो डाउट। एंड सबसे अच्छी बात इसकी चुन्नी कॉन्ट्रास्ट की है, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, और चुन्नी भी बहुत प्यारी है, देख सकते हैं, और नेट की चुन्नी है, और इसमें पूरा बॉर्डर दिया गया है, इसमें रेड रोजेस बने हुए हैं, और नेट भी बहुत अच्छी है।
दिखा देती हूँ आपको. सो इट्स लुकिंग रियली नाइस, आप देख सकते हो. सेकेंड वन भी बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा. आई थिंक येलो कलर एक ऐसा कलर होता है ना, एक सिलेक्टिव लड़कियां पसंद करती हैं. पर जो मैं अभी आपको सूट दिखाऊंगी ना, वो 99% लड़कियां पसंद करेंगी एंड बहुत लोग खरीद भी लेंगे. ये है वो सूट, आप दिखा सकते हैं. अभी मैं खोल के दिखाने वाली हूँ. माय गॉड, इससे मेरी नेल पॉलिश भी मैचिंग हो रही है एंड आई लव दिस सूट. छह सूट बहुत पसंद आया और ये सूट मेरे ऊपर बड़ा जबरदस्त लगने वाला है, सीरियसली. ये है शरारा और मैं इसका वो दिखाती हूँ आपको. इवन जो फोटो में दिख रहा है ना, कैन यू बिलीव, फोटो से अच्छा रियलिटी में लग रहा है. ऐसा होता है ना कि फोटो में अलग दिखता है और रियलिटी में अलग दिखता है, बट एक्चुअली ये फोटो है, आप देख रहे हो ना, ये शरारा है, ये कुर्ता है और ये दुपट्टा है, बट रियल में ये बहुत सुंदर लग रहा है. ये कुर्ती मैं दिखाती हूँ, ये कलर में आई थिंक फर्स्ट टाइम पहनूंगी ये, और ये मुझे बहुत सुंदर लगा इसका कलर, देख रहे हो ना. ये गला ऑलरेडी इसमें दिया है एंड इसमें अस्तर भी लगा हुआ है. और मैं दिखाती हूँ आपको, अभी मैं खड़े होके दिखाऊंगी सारे कपड़े. ओके, सच अ ब्यूटीफुल सूट है, बहुत ही खूबसूरत सूट है. ये सूट मेरे पर बहुत अच्छा लगेगा, है ना. और इसका जो है वो जो शरारा बनेगा, ये पर्पल कलर का है, आप देख सकते हो. ये नीचे का बॉटम आएगा, समझ रहे हो, ये पूरा कपड़ा है दिया गया. अस्तर कितना अच्छी क्वालिटी का है, देख लो, बहुत क्वालिटी, बहुत अच्छी है कपड़ा की अकॉर्डिंग टू द अमाउंट. यस, वरना इतने अमाउंट में कहाँ इतने हैवी और इतनी कढ़ाई वाले सूट कहाँ मिलते हैं यार, नहीं मिलते हैं. बट अभी मैं पिंक दिखाती हूँ आपको. अब आप बताना हैशटैग करके कि आपको कौन से नंबर का अच्छा लग रहा है. दिस इज द थर्ड वन, फर्स्ट येलो था, सेकंड पर्पल, थर्ड पिंक है. ओके, और ये थोड़ा सा क्या है, ये लहंगे टाइप का है सूट. हाँ, ये लहंगे टाइप का है, ये है लहंगा, नॉट वेरी हैवी लहंगा, इट्स अ इंडो वेस्टर्न टाइप का है ये. अरे बाबा, ये खुल क्यों नहीं रहा है. सो ये है लहंगा, जस्ट सेमी स्टिच्ड है, ऑलरेडी इसमें अस्तर लगा हुआ है और पूरा ऊपर ये हाफ प्लेन है और ये हाफ में इसके डिजाइन बनी, आपको दिख नहीं रही है मुझे लग रहा सामने से. हाँ, ये डिजाइन बनी है हाफ पे और बहुत ही प्रिटी है लहंगा. और इसके साथ क्या है, ये कॉन्ट्रास्ट में है क्योंकि इसके साथ जो ऊपर का है ना, आपको चोली नहीं है ये पूरी लॉन्ग चोली है ये. मैं नीचे से बाद में दिखाऊंगी, पहले मैं ऊपर का दिखा देती हूँ. इसमें क्या है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट. ओके, तो ये इस तरह का है, अभी मैं खोल के दिखाऊंगी. ये किस तरह का है, ऊपर चोली रहेगी, आपको अस्तर नहीं दिया गया है, पर अस्तर आपको खुद का लगवाना पड़ेगा इसमें, सिर्फ इस ऊपर वाले हिस्से में, बाकी नीचे ये प्लेन रहेगा. तो ये लॉन्ग कोटी टाइप का है, ठीक है, लहंगे के ऊपर. और नीचे इसमें बॉर्डर दिया गया है, आप देख सकते हो. ये है इसका दुपट्टा ऑरेंज में और पूरा बॉर्डर है इसमें, नेट का दुपट्टा है, आप देख सकते हो. बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, हैवी है. ये है लास्ट, ये तीनों से सबसे ज्यादा हैवी ये सूट है. कुछ समझ में आया, नहीं आ रहा होगा.
और ये पता है किस स्टाइल का है, जैसे अपन पहनेंगे ना इसको तो ये पूरा फूला रहेगा नीचे की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी इसमें वो दिया गया है, समझ रहे हो, जो नीचे घेर को फुला के रखता है ना, इसमें वो नेट दी गई है। ये देखिए, ये है ना, ये जो नेट है ना नीचे लगी है, पूरे राउंड में लगी है, जिससे कि ये अपने आप ही घेर में रहेगा, वैसा वाला है ये। ओके, तो ये मैंने ब्राउन, ये कौन सा कलर है यार, और यार मैं भूल गई कलर, इसको क्या बोलते हैं, ग्रे कलर है, सॉरी, ये ग्रे कलर का, और ये मैंने कलर कभी नहीं पहना है, ना साड़ी में पहना है, ना टॉप में पहना है, ना इवन सूट में पहना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े कलर्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ अपने ऊपर, क्योंकि मैं वही लाल पीले हरे ऑब्वियसली मेरे ऊपर अच्छे लगते ही हैं। तो मैंने आपने देखा लास्ट टाइम मैंने ब्राउन कलर कॉफी कलर का सूट मंगाया, तो मैंने कहा चलो ग्रे कलर का भी पहन के देखते हैं कैसा लगता है। तो इस पूरे स्कर्ट की जो खूबसूरती है वो इसके घेर में है। ये है चोली, ओके, तो आप क्या करना, लिंक पे क्लिक करके जाके देखना कि इसका लुक कैसा आता है, क्योंकि उसमें लुक वाइज दिया गया है। और ये पूरा इसमें वर्क है, पूरे में वर्क है, अच्छा खासा कढ़ाई है, और ये फुल स्लीव्स है, ये स्लीव्स हैं इसकी, और इसमें आई थिंक कॉलर वाला गला आएगा, इसमें ऑलरेडी कॉलर दिया गया है, आप देख सकते हो सामने से इसमें पूरा गला बनाने के लिए, इधर तक आप खुलवा सकते हो, ये कॉलर दिया गया है। और इसके ऊपर ये पिंक दुपट्टा है, और ये बिल्कुल मेरी लिपस्टिक से मैच कर रहा है, तो इसमें ग्रे कलर का जो इसमें कढ़ाई दी गई है ना, वही सेम इन्होंने बॉर्डर डाला है, और बाकी इन्होंने थोड़ा सा कलर, ये ग्रे है तो इसको उभारने के लिए शायद इन्होंने जो चुन्नी है वो पिंक कलर की रखी है, जिससे लुक बहुत खूबसूरत आए। और जरूरी नहीं इसके ऊपर आप ग्रे कलर की लिपस्टिक लगाओ, आप पिंक भी लगाओगे तो बहुत सुंदर लगेगा। सो मुझे इन चारों में से सबसे जो बेस्ट लगे हैं वो पर्पल एंड दिस ग्रे वन एज अ कलर चॉइस, बट क्वालिटी वाइज ऑल आर सेम। तो चलिए मैं आपको डाल के दिखाती हूँ, लिंक कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में, लिंक वगैरह कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, गो एंड चेक इट आउट। ओके, आउटफिट की कोटी कुछ इस प्रकार से है, लॉन्ग, एक मिनट मैं ये उठा के रखूं, कुछ ये ऐसे लॉन्ग है, तो ये जब इसके ऊपर पहनी जाएगी चोली यही है, सिर्फ इसमें हाफ में अस्तर लगेगा, अस्तर नहीं आया है, अस्तर आपको ही लेना पड़ेगा अगर आप इसे लेते हो, तो ऊपर के सेक्शन में अस्तर आ जाएगा, नीचे ये ऐसे ही रहेगा, कोटी इसको ऐसे कोटी डाल के पहनना है कुछ इस तरह से, मैं पहन नहीं सकती हूँ बट ये कुछ इस तरह से आएगा, आपने देखा ये दुपट्टा है इसका तो चलिए नेक्स्ट दिखाती हूँ आपको। और ये दुपट्टा है, इसके ऊपर ये है, तो ये पूरा कुर्ता है स्कर्ट के ऊपर पूरा, तो ये लुक आएगा इसमें।
पीच कलर है, पिंक कलर है, जो भी आप समझे, पता नहीं कौन सा कलर है। इसको मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ क्योंकि इसमें कुछ पहनने वाला है ही नहीं है। इसका ये कुर्ता है, लॉन्ग कुर्ता है ये। ये भी सूट है, अनारकली सूट। इसको भी मैं ऐसे आपको लगा के दिखा देती हूँ। एंड ये दुपट्टा है। ओके डन। फाइनली वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और आपका इसमें कौन सा फेवरेट है प्लीज हैशटैग करके जरूर बताना। कलर है येलो है, ग्रे है, देन पर्पल है, एंड देन थर्ड वन पिंक है। हैशटैग करके अपना बताना फेवरेट वन। ओके, और चेक आउट जरूर कर लेना। ओके, सो दिस इज अ फेस्टिवल। ओके, तो मिलती हूँ कल एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। एंड पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।